बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज ना मैं आपको लेके आई हूँ रामीज में, और यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी सी क्रोकरी जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, और बहुत ही चीप प्राइस में यहाँ पे क्रोकरी है और इतनी प्यारे है ना कि बंदा जाए यहाँ पे तो दिल करता है कि कुछ ना कुछ तो खरीद के जरूर लेके जाए। तो चलिए जी वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो जी यहाँ पर मैं आई थी अपने बेटे के साथ, क्योंकि मेरी बेटी का जो ट्यूशन टीचर का घर है ना वो यहाँ पर बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि मेरी बेटी की मैंने ट्यूशन टीचर जो है ना वो चेंज करवाई है, तो उसका घर जो है ना यहीं पर था इसके बिल्कुल रामेज के साथ। और ये रामेज जो महारक में है ना, ये वो वाला रामेज है, और यहाँ भी मैं बहुत कम जाती हूँ, मैं आराध वाले रामेज में ज्यादा जाती हूँ क्योंकि वो हमारे घर के बिल्कुल पास है। लेकिन ये है कि यहाँ पे और वहाँ पे चीजें सारी सेम ही होती हैं, तो ऑफर वगैरह भी प्राइस सारा कुछ सेम है, तो आप जहाँ भी जाएं आपको सेम चीज़ें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए गई क्योंकि मैं अपनी बेटी को ट्यूशन के टीचर के घर जब मैंने उसको छोड़ा ना, तो बाद में मैं फ्री थी और मेरा बेटा भी मेरे साथ था, तो मैंने सोचा कि चले जाते हैं रामेज में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या न्यू आया है, क्या ऑफरें लगी हुई हैं, क्या बाय करना है। तो खैर जी मैं और मेरा बेटा जो है ना वो यहाँ पे आए, और इतने प्यारे प्यारे से यहाँ पे बर्तन देखे हमने, बहुत प्यारे और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनों में यहाँ पे ग्लास बहुत प्यारे थे और बहुत अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी। जब सारी चीजें देखो तो दिल करता है कि कुछ ना कुछ खरीद कर ही लिया जाए, और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे कोई चीज पसंद आ जाए ना तो मुझे उसको बाय करना होता है, क्योंकि अगर मैं उसको बाय ना करूँ मगर मतलब देख के आ जाऊँ कि ये चीज अच्छी है, ये अच्छी है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं, अगर मैं ऐसे बस करके आ जाऊँ तो घर में आके ना मेरा तो सच्ची में दिमाग इतना खराब होता है ना, दिमाग में मतलब चीज घूमती रहती है कि लेनी है लेनी है लेनी है, ले लेनी चाहिए थी, तो इस तरह से होता है। तो फिर मुझे दोबारा जाना पड़ता है उस चीज़ को बाय करने के लिए। तो मेरे साथ ना अक्सर ऐसे भी होता है कि मैं किसी मार्केट में जाती हूँ ना, मुझे कोई चीज़ पसंद आई है लेकिन मैंने बाय नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं है इस वजह से, लेकिन जब मैं घर में आती हूँ फिर मेरे दिमाग में घूमता है कि लेनी चाहिए थी क्यों नहीं ली, लेकिन ये सोच के फिर मैं वापस जाती हूँ ना जब दोबारा नेक्स्ट डे, तो मुझे वो चीज़ दोबारा वहाँ पर मिलती नहीं है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई आपने बाय नहीं की, लेकिन नेक्स्ट डे जब आप बाय करने के लिए जाओ तो आपको वो चीज़ वहाँ पर मिले ना, और फिर जो मर्जी कर लो आपको वो चीज़ मिले, इस तरह से होता है। मेरे साथ बहुत ऐसा होता है, तो मुझे तो फिर मेरे जहन में घूमता रहती है वही चीज़, दो तीन 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 महीने बाद भी कभी याद आया था वो चीज़ इतनी प्यारी थी लेनी चाहिए थी, इस तरह से होता है मेरे साथ। तो मैं जो है ना मुझे जब भी कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बाय कर लूँ। खैर जी यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से बर्तन जो है वो शेयर कर रही हूँ, बहुत प्यारे बर्तन, और पता है क्या प्राइस भी बहुत अच्छी है, ऑफर लगी हुई है। अगर आप हलील में रहते हो ना तो ज़रूर जाइएगा अपने लिए बाय कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे आराध में रहते हैं ना तो यहाँ पर भी ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छी यहाँ पे ऑफर है यहाँ पे रामीज में। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या, रश नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो ना मुझे बिल्कुल भी वहाँ पे जाना पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप फ्राइडे सैटरडे को जाओगे ना तो सच में बहुत ज़्यादा रश होता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है रश में जाके शॉपिंग करते हुए। तो है जी आप अगर फ्राइडे और सैटरडे को छोड़ के और किसी दिन जाओगे ना तो इतना रश नहीं होता है, होता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना फ्राइडे को होता है और सैटरडे को। है जी यहाँ भी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू आए हैं ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ना मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप जो है आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ पसंद आई और आप बाय ना करो तो वो चीज़ आपके दिमाग में घूमती रहे। तो जी यार चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। अच्छा तो आपको ना मैं एक बहुत मज़े वाली बात बताने लगी हूँ, क्योंकि मैं अभी कह रही थी वॉइस ओवर, और वॉइस ओवर करते हुए ना मैंने हैंड फ्री लगाई है मोबाइल को, और साथ में हैंड फ्री का जो माइक है ना उसमें मैं बात करके वॉइस ओवर कर रही हूँ,
तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे लग रहा है कि मैंने हैंड फ्री जो है वो मोबाइल के साथ लगाई है, लेकिन उसके माइक में मैं पकड़ के बातें किए जा रही हूँ, हालांकि मेरा हैंड जो है ना थक गया उसको पकड़ पकड़ के। लेकिन एंड में जाके मैंने जब चेक किया है ना अपनी वो वीडियो को, तो जब मैंने देखा कि हैं इसकी तो हैंड फ्री की जो पिन है वो मोबाइल के अंदर लगी नहीं हुई है, तो मैं कौन सा वो वहाँ पे इतना टाइम माइक को पकड़ के तो बातें किए जा रही थी। सच में मेरा हैंड जो है दर्द करना शुरू हो गया एक जगह पे रख रख के, और बाद में एंड में जाके पता चला कि मैंने तो पिन ही नहीं लगाई है हैंड फ्री की मोबाइल के अंदर। खैर जी, यहाँ पे आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फिर वीडियो को भी फुल वॉच कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।